नानक दास सदा कुर्बानी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समिरकै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय करण दया वै ताए। सब साई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब साई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार का ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा प्यारियां चौ साहिबजादियां चालियां मुक्तियां ठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वन के छगिया। देख जलाई ते गवाही देख अंडट कीता तिना प्यारियां सच्चियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्मे सीह दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निवाही तिना दी पवित्र कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा तख्तां ते सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशियारे आए। देख देख फतह है बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले खालसा जी साहिब बोलो जी। सिखा नू सिखी दान किस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी। वाहेगुरु जी सिखा दा माननी वा मत ची मत दा राखा वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार पिता जी। श्री ननकाणा साहिब ते गुरुद्वारियां गुरधामा ते जिन्हां दो पंथ नूं छोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी हे निमाणियां दे मान नितानियां दे तान। न्योटियां दी योटने आसरियां दे आसरे धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवास पिता जी। आप जी ने कृपा कीती है तरस कीत्या गरीब नवास पिता जीओ। परसों रोज तो तख्ता दे शिभायमान हो के संतां नूं खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल निहाल कीता है आप जी दा कोटान कोटनवाद। जेहा चीरी लिखे आ एहा हुक्म कमाए कले आव है नानका सदे उठी जाह दे महावाका अनुसार। आप जी दे दर कर दे प्रीतमान परम सेवक सरदार जगजीत सिंह साहनी नूं जिनी आप जी ने स्वासा दी कुंजी बख्शी सी। स्वासा दी कुंजी नूं भोगदे होए अकाल चलाणा कर गए उन्हां दी आत्मक शांति वास्ते। उन्हां दी बेटी किरण कौर दामाद मनमोहन सिंह बेटी पवन कपूर दामाद परवीन सिंह बेटी मनवीन सिंह दामाद सतिंदर सिंह दे समूह परिवार वालों आप जी दा उडासरा तकदे होए परसों दे रोज तो धुरकी बाणी आई तिन सगले चिंत मिटाई दे महावाका अनुसार। आप जी की आग्ञा लैके श्रीखंड पाठ सहब आरंभ होए सन। आप जी ने कृपा की निर्भिकता सहत संपूर्णता हुई है। उपरंत नंद साहब जी की छे पौड़िया के जाप होन गरीब नवास पिता जीओ। पाठी सिंह को गुरबाणी के गायन करद्या को आप जी के चरणों में विचरद्या को टहल सेवा करद्या को अनेक प्रकार दुला चुका गलतियां हो गई होनिया जी। अनजान जे बच्चे समझ के खिमा कर लैनिया अगे तो सोते स्पष्ट बाणी पढ़न सुन दी बुद्धि बख्श लैनी। बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी का भाव बाणी का महत्व विछड़ी जीवात्मा बख्शना विछड़ी जीवात्मा आत्मक शांति बख्शनी। पिछे परिवार के सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के भावना मरण का बल उदम बख्शना गरीब नवाज पिता जीओ। जिन्ना भावना करके सेवक परिवार ने आप जी का उटासरा तके आ
सो भावना गुरमत अनुसार जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै नानक दास मुक्ते जो बोलै इहा उहा सचोवै दे महावाक अनुसार पूरियां करनिया काल कंठक दूर करने देश प्रदेश विच आप जी ने आप सहाई होना घर वे सुख शांतियां बख्शियां गरीब नवाज पिता जीओ आई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तेन फुल पेटावा प्रवान करनिया दरो करो सिखी सिद्धक परोसा नामदान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनिया जी आप जी दे हजूर बख्शियां दातां विचों सेव परिवार आप जी ने सुंदर जिहे पछाके हाजर होए हन आप जी ने अंगीकार करने लोक परलोक पर्दे कजलने अंग संघ हो के सहायता करनी गरीब नवाज पिता जी आप जी दे हजूर बख्शियां दातां विचों कड़ा प्रसाद जी की देख हाजर है आप जी दे दर ते प्रवान हो गए प्रवान होया प्रसाद साध संगत विच वरतौण दी आग्या बख्श लैण जी करो कृपा पावन पवित्र हुकम बख्श के निहाल करो हुकम दे चलण दी सोजी बख्श लैण जी अरदास बेनती प्रवान करनी जी अखर वादा घाटा पुंचुक माफ करने सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दुरा गया पै अकाल की चलायो पंथ अब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिल बोचा है शब्द में ले राज करेगा खालसा वार होए सब मिलेंगे शरण जो हो वाहे गुरु नाम जहाज है सुतरे पार जो सरदा कर सेव दे जो सरदा कर सेव दे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा कबीर मानस जन्म दुलंब है होए न बार बार जो बन फल पाके पोए गिर है बहुर न लागे डार खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना कसम विसार खुआरी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना प्राणी एको नाम त्यावहो अपनी पत सिद्धि कर जावहो सुको टल गुर सेविया अनस सहज सुपाई दर्शन परसिए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हो सिफत कसम दी नूर यार सो पुर सो चटी है सची पातशाह मन जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पातशाह सिर साहां दै शाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा बेसाओ सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी धनासरी महला पंजवा जा को हर रंग लागो इस युग में सो कही अत है सूरा आत्म जने सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा जाका हर रंग लागो इस युग में
सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वसता के जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाये आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाओ जन के चरण वसे मिरही अरे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही जन के चरण वसे मिरही अरे संग पुनीता देही जन की तूर देओ कृपा निद नानक कै सुख एही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह जपो सतनाम 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 जी वाहिगुरु 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 जी जपो सतनाम 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 जी वाहिगुरु 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 जी जपो सतनाम 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
संसार
अनल बेड़ा हो खेद न सा तेरा पार न पाया पीठुला अनल बेड़ा हो खेद न सा तेरा पार न पाया पीठुला तेरा पार न पाया पीठुला तेरा पार न पाया पीठुला संसार सुन हो दयाल सतगुर मेल तुमो को पाय उतारे के सुवा हो दयाल सतगुर मेल तुमो को पार उतारे के सुवा पार उतारे के सुवा संसार सुमंदे पार गोविंदे संसार सुमंदे पार गोविंदे तार ले तार ले तार ले तार ले बाप भी नाम कहे हो तर भी न जान मुख बाँधे बाँधे पीठुला नाम कहे हो तर भी न जान मुख बाँधे बाँधे पीठुला मुख बाँधे बाँधे पीठुला बांधे बांधे बीठुला संसार सुमंदे तार गोविंदे संसार सुमंदे तार गोविंदे तार ले तार ले तार ले तार ले तार ले तार ले
Yeah.
ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆਓ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਲੀਡ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ
जेंट्स इस साइड बैठ जाएंगे, लेडीज इस साइड प्लीज़ आप जी मत्था टेके अपनी अपनी थान पर बैठ जाओ ता जो कीर्तन शुरू कर सकी। आप बड़े प्यार सत्कार नाल बड़ी एकांत विच कीर्तन शुरू होने लगा, कीर्तन सरवण करो। अपने अपने मोबाइल सारे प्लीज़ साइलेंट कर देना, मत्था टेके अपनी अपनी थान पर प्लीज़ बैठ जाओ। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। चलो ठीक, सरदार जगजीत सिंह जी सामी बेटिया की किरण कौर कुमार बेटी पवन पंज मिनट का।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जोत रल जाया
बंद पर
ਸਬਰ ਨਾ ਪਾਈ ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ ਰੋਵਨ ਹਾਰ ਤੇ ਊਠ ਸਦਾਈ ਰੋਵਨ ਹਾਰ ਤੇ ਊਠ ਸਦਾਈ ਪਰ ਮਮੋਤੇ ਬਾਂਦੇ ਬੰਦ लाए अंध सुपन पया पकलाए अंध पवन में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया पवन में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया ज्योत रल जाया ए तो रचन रचिया करतार ए तो रचन त्या करतार ए तो करतार आवत जावत हुक्म अपार आवत जावत हुक्म अपार ने को मुवाना मरने जोग ने को मुवाना मरने जोग ने लिन से अपना पवन में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया पवन में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया पवन में पवन समाया ए तो रचन रचया करतार ए तो रचन रचया करतार ए तो रचन रचया करतार आवत जावत हुक्म अपार आवत जावत हुक्म अपार पवन में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया पवन में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया पवन में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल
कर्म चुकाया। गुरुमुख जन्म
Thank you.
Thank you.
रस पिया, जिन्नी हर 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 रस पिया, ज्योति उदक समुंद सलल की साखिया, उदक समुंद सलल की साखिया, नदी तरंग समावेंगे, उदक समुंद सलल की साखिया, उदक समुंद सलल की साखिया, नदी तरंग समावेंगे, उदक समुंद सलल की साखिया, सलल की साखिया। पवन रूप हुए जा
की साखिया नदी तरंग जन्म ना हो
समाने सुन समाए समावे गे सुन कहो कबीर सुनम समाने कहो कबीर जो नाम समाने सुन रिहा मुख नहीं मोरियो
जैसी आ गया कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोर। उस प्रभु परमात्मा दी जिस तरह उसका हुक्म आ गया परमात्मा का होवे परमात्मा का पाणा उसते असी मनुख मूँह नहीं फेर सकते। उस परमात्मा दे रजा विच रह के उस हुक्म नू मनना पैंदा है उस पाणे नू मनना पैंदा है। मैनू याद है एक महीना पहले असी उपर कीर्तन किया सी माता जी इस संसार तो विछोड़ा दे गए स एक महीने बाद सरदार जगजीत सिंह जी सानी वह भी एक महीने पहले उन्होंने शब्द कीर्तन सरवण किया सी सामने बैठ के। ये देखो कुदरत दा पाणा एक महीने बाद उस परमात्मा दा हुक्म सदा होया जितने परमात्मा ने उन्हें सुवासन की पूंजी बख्शी सी उतने सुवास हो के संसार में विछुड़ा दे के चले गए। औखा होंदा है कोई जीव घर तो चले जाने वह भी एक महीने बाद जो जीव घर तो चले जाने परिवार वास्ते सदमा बहुत वड्डा होंदा है। पर एक गल होर है जिहड़े बाणी नाल जुड़ते हैं ना मैनूं पता पूरा ही परिवार बाणी नाल जुड़ा होया है। जिहड़े बजुर्ग सन मैनूं भाई साहब जी दस रहे सन वह भी बाणी नाल जुड़े सन कीर्तन भी करते सन बाणी नूं विचारदे सन बाणी पढ़दे सन। उन्होंने सारे परिवार नूं एक बाणी नाल जोड़ के रखिया सी। इह बहुत वड्डी गल है जिहड़े आप जुड़ते ने वो परिवार को जोड़ के रख उन्होंने कई कुल्ला तर जांदियां ने आप ही तरदे ने ते उन्हां नाल कई कुल्ला तर जांदियां कितनी वड्डी गल है। उन्हां दी वाइब्रेशन कितने परिवारों में चली जाती है वो जुड़े उन्हां नाल होर परिवार जुड़े उन्हां दे बच्चे जुड़े उन्हां विच वो वाइब्रेशन चलती गई सारा परिवार तर गया। ये कृपा उस मालक की जिसते हो जाए ना वो कृपा का पात्र बनता है। यही तो इस चीज़ को गुरु साहब जी कहते हैं कि यही चीज़ इकट्ठी करनी है। इस चीज़ का सानू जन्म मिलिया कि परमात्मा नू पाईए परमात्मा नू याद करिए परमात्मा नू पा के अपने जन्म नू अपने सुवास नू सफला करिए। क्योंकि बड़ा अनमोल जीवन है कितने युगों तो असी पटके स कितने कितने जन्म कट के आए हैं पता नहीं कि जन्म कटे फिर सानू ये परमात्मा ने यह मनुखा दे ही बख्शी। कई जन्म पे कीट पतंगा कई जन्म गा जमीन कड़ंगा पौड़ा बहुत वड्डा शब्द है अनेक जूनियां भोगिया ने फिर सानू परमात्मा ने यह मनुखा दे दी दात बख्शी यह मनुखा दे ही बख्शी। बहुत जन्म बड़े चिरों तो बड़े जन्मों तो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेके जन्म किड़ा ए मनुखा दे अगे कह रहे कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। बड़ी चिर की उड़ीक सी कि असी भी उस परमात्मा का नाम जपीए असी परमात्मा याद करके उस परमात्मा के नाल जुड़ के अपने जीवन में सफला करिए याद करिए परमात्मा ये विछोड़ा सहया ना जाए। विछोड़ा कोई परिवार कोई सहया नहीं जाता औखा होंदा है। पर मैं बेनती की है जिहड़े बाणी नाल जुड़दे ने ना उन्होंने दुख सुख का ज्ञान हो जाता है दुख की है सुख की है जन्म की है मरण की है उन्होंने सीधा ज्ञान जो ज्ञान हो गया ना उन्होंने बाणी का बहुत वड्डा ढारस मिलता बाणी उन्होंने ढारस देती है। जो बाणी ढारस दे फिर वह विछोड़ा सहन की जिहड़ी ताकत है सानू मिल जाती है बाणी राही। इस करके गुरु साहब जी फरमाते ने हे मनुख तू बाणी नाल जुड़ कहिंदे ने हर जपदे हाँ हरि दा नाम जपदे हाँ कहिंदे ने खिन मात्र भी ढिल ना कर। खिन मात्र किन्ना हुंदा है अखां बंद करनी अखां खोलनियां हर जपदे हाँ खिन ढिल ना कीचे मेरी जिंदड़िए मत
के जापे सा आवे के ना आवे राम। एक सा ले लिया दूजा सा आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं कोई गारंटी नहीं। मैं भाई साहब नूं दस रहा सी एक वीडियो अज वायरल हो रही है कोई भाई साहब जी अरदास कर रहे सन अरदास करते करते वो सतगुरु पास चले गए। यह तुसी वीडियो देखना वायरल हो रही है पता नहीं कड़ा गुरद्वारा है इंडिया में ही है। अरदास करते करते भाई साहब जी सतगुरु चरणा में जा नवाज। देखो वो गुरबाणी कह रही है ना क्या जाना किव मरांगे कैसा मरना होए कि पता साडा अंत कदू होना किवें होना कितने होना सानू नहीं पता। उस अकाल पुरख ने जिन्हें सानू जन्म दिता उस परमात्मा नू पता क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए। कहिंदे ने जेकर साहिब मनो ना विसरे तो सहला मरना जे सानू परमात्मा ना विछड़े वो परमात्मा ना भुले जिहड़ा जिहड़ा सानू अंत है वह सुखेला हो जाएगा इस जन्मन दे भौ तों मुक्त हो जावांगे। जिहड़ी आत्मावां परमात्मा दे नाल जुड़दियां ने उन्हां आत्मा दे नाल परमात्मा दा नाम हमेशा है गुरु मेरे संग सदा है नाल सदा वास्ते उन्हां दा नाल परमेश्वर दा वाहिगुरु दा नाम है। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली ज्योत ज्योत रल गई संपूर्ण थी आराम। वो आत्मा परमात्मा च अभेद लीन होगी जिहड़ी आत्मावां परमात्मा लीन हो गई ने वह फिर जन्मन दे गेड़ च नहीं पैंदी उन्हां वास्ते जन्मन दा गेड़ खत्म उन्हां दे सचखंड रब दा घर उन्हां वास्ते उत्थे परमात्मा ने रखे होंदा है। आओ सारे ये अरदास करना सेवक परिवार ने बड़ी श्रद्धा नाल प्यार नाल उन्होंने याद मनाने गुरु घर विखे परसों रोज तो तुरकी बाणी आई तीन सगली चिंत मिटाई दसी अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाए सन समाप्ति तो बाद भोग तो बाद आप जी ने सारे बैठ करके आप जी ने बैरागमई शब्द कीर्तन सवन करके उस विछड़ी रूह नूं सरदार जगजीत सिंह जी सानी उन्होंने बेटी किरण कौर कुमार दमाद श्री मनमोहन सिंह कुमार बेटी पवन कपूर दमाद परवीन सिंह कपूर बेटी मनवीन सिंह दमाद श्री सतेंद्र सिंह जी तथा समूह परिवार वालों अरदास बेनती आप जी ने बैराग में शब्द में सरन किया है। सारे यही अरदास करना क्योंकि अरदास बड़ी बड़ी शाख शक्ति है ताकत है। प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद ते आई। एक मन एक चित होकर अरदास करना संगत रूप संगत दे कीते हुए अरदास कदे अजाया नहीं जाते। बिरथी कदन होवी जन की अरदास अरदास की करनी है कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बोहरना भोजन फेरा। संसार की यात्रा करना वसों जीवन विचरदान कोल जीवन में कोई पोल कोई त्रुटी रही परमात्मा भुलना चितारना उस विछड़ी अपने चरणा निवास बख्शना पिछे उन्हों के परिवार को सारे रिश्तेदारों भाणा मन का बल बख्शना मेहर भरिया हथ परिवार के सतरंग सो आओ इतनी हाजरियाँ प्रवान करना आओ सारे मिलजुल के नाम सदा पाठ करिए। उस तो बाद भाई साहब जी अरदास करने सारे आप अरदास शामिल होवांगे। सिखो शत प्यारे ओ जन्म मरण कीते मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सत गुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सत गुरु में पा सत गुरु ता पाया सहज सिक्ति मन वजिया वाले राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दों ता गाओ हरी के रामान जनी वसाया कह नानक नंद होवा सत गुरु में पाए ये मन मेरे तू सदा हर नाले हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब सार अंगीकारो कर तेरा कार्य सब सुहाना सब नागला सिमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रोहर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब जै जिसने सो पावे सदा सुख सला तेरी नाम मन विसार नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह ना
नानक सच्चे साहब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पूजाई सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जितिए वडियाई कह नानक सुनो संतो शब्द तरो पिया सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सभागे शब्द वाजे कला पंज दूत दवस कीते काल कंट मारिया तुग करम पाया तुझ कुस नाम अकेला कै नानक तै सुख होवा तुत कर आनंद वाजे अनंत सुनो वड पाकी ओ सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप सुनी सच्ची बाणी संत साध पे ससे पूरे गुते जा सुनते पुनित कहते पवित सतगुरु रिया पर पूरे बिनवंत नान गुरु चरण लागे वाजे अन सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत महत दिसरा तुदाई दाया खेले सकल जगत जिनी आईया बुरियां आईया वाचे धर्म दूर करमी आपो आपणी ते नेड़े के जिनी नाम ते आया गे मशक्कत काल नानक ते मुकू जिले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गे मशक्कत काल नानक ते मुकू जिले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गे मशक्कत काल नानक ते मुकू जिले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम कै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरे मैं सुख तेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूतर तारी तुम ते होए सो आगे अकारी तुमरी गात में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुमरी गात में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरिया घर नौन दियावै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलाओ जे बोलाओ जे पंजा पे आ रिया चौहां साहिब जा दिया चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के शकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलाओ जे बोलाओ जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तन चुरवाए
गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जे बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित आवै चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल धर्म का जयकार बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी ने बख्शो हे नमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नेओटियां दी ओट तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जिया दे चरणा कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी है आप जी दी पवित्र गुरबाणी दा फरमान है राणा राव ना को रह रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदे तीर जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे कल्ले आवे नानका सदे उठी जाहे जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है सतगुरु जी आप जी दे चरणा दे सेवक दर कर दे प्रीतवान सरदार जगजीत सिंह जी सानी सतगुरु जी कुछ दिन पहला अकाल चलाना कर गए हैं पातशाह जिन्हें आप जी दी पावन पवित्र बारगाह चो स्वासा रूपी लड़ी नू प्राप्त करके मातलोक विच आए सन मिले हुए स्वासा नू पूर्ण करदिया होया परलोक गमन कीता है तिना दे रोह आत्मक शांति लई सेवक परिवार ने परसों दे रोज तो आप जी दे चरण परसदिया होया आप जी दे पावन स्थान ते धुर की बाणी दे जाप प्रारंभ करवाए सन निर्विघ्नता समेत संपूर्णता हुई आप जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु जी दीवान सजे है सजे दीवाना अंदर आप जी दे प्यारिया ने वैरागमय पवित्र गुरबाणी का हर जस गायन किया गुरमत विचारा छे पौड़ियां आनंद साहब जी की अरदास अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सतगुरु जीओ तिना दियां बेटियां बेटी किरण कौर कुमार जी दमाद सरदार मनमोहन सिंह जी कुमार बेटी पवन कपूर जी दमाद परवीन सिंह कपूर जी बेटी मनवीन सिंह दमाद सरदार सतिंदर सिंह जी समूह परिवार ने आप जी दे चरण परसदिया होया बच्चिया ने आप जी की बाणी का ओट आसरा सहारा लिया पातशाह जीओ समूह संगत सहत मिल करके परिवार दी आप जी दे चरणा विच अरदास बेनती जोदड़ी है कह कबीर सुनो रे संत हो खेत ही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पव जल फेरा
कृपा करनी परिवार की संगत सहित अरदास बेनती दर प्रवान करना तिना दे जीव पासों संसार विच परिवार विच विचरदियां जाने अणजाने विच होई भोल गलती ना चितारदियां होया 84 दे आवागों तो मुक्त कर सदीव काल अपने चरणा विच निवास बख्शना परिवार नूं बच्चियां नूं भाणा मनन दी दात बख्शिश करनी तिना दे बच्चियां ने अपनी पिता दी छत्र छाया हेठ अनेका सुख माणिया परिवार बच्चे ऋणी हन दिना दे पाए हुए शुभ गुणा ते चलन दी सोझी बख्शनी बच्चियां विच आपस विच प्यार मुहब्बत सलूक दी दात बख्शनी देसां प्रदेशां विच अंग संग सहाई होना कारोबारां विच वाधे तरक्कियां बख्शनियां आप जी दे हजूर सेवकां वल्लों पंचम कड़ाह प्रशादी देग हाजर दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रशाद संगतां विच वरताउंदी आग्या बख्शनी आईया संगतां वास्ते जल पाणी दे लंगर तैयार हन वरताउं दी आग्या बख्शिश करनी अरदास माया पेट हाजर हुई खजाने भरपूर करने एक तो अनेक करना बीजिया हरिया करना माया सफली करनी दूरों नेड़ियों आईया संगतां दे कदम घड़ियां लेखे लाउणियां दरों करो नाम दान गुर सिखी जीवन बख्शिश करना पावन पवित्र इलाही हुक्म नामे दी दात बख्शो जी हुक्म ते चलन दी सोझी बख्शनी सेई प्यारे मिलने जिन्ना मिलिया आप जी दा नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया पई अकाल की सब सिखन को हुकम है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ को मिल बोचह राज करेगा खालसा ख्वार होए सब मिलेंगे ख्वार होए सब मिलेंगे बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो ऐसो एहो संसार पेखना रहन न को पई है रे सूदे सूधे रेग चलो तुम नतर उतका दिवई है रे क्या जाना किव मरहेंगे कैसा मरना होए जेकर साहिब मन हो ना विसरै ता सहला मरना होए राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार कहो नानक थिर कश नहीं सुपने ज्यों संसार जो उपजयो सो बिनस है
परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड सगल जंजाल सो कहो टल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाए दर्शन पर से गुरु का जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो सोरठ महला पंजवा परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कतहु नाही आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कतहु नाही साचे साहेब स्यों मन माने हर सर्ब निरंतर जाने रहा सब जीव तेरे दयाला अपने भगत कर है प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम ते आई सब जीव तेरे दयाला अपने भगत कर है प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम ते आई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा पंजवे पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी इस पावन शब्द नूं सोरठ राग दे अंदर उचारदे हन जिस विच हजूर पातशाह बख्शिश करदे ने। साध संगत जी समा काफ़ी पहले ही हो गया है, आओ दो मिनट विच आपां समाप्ति करिए। फिर भैन किरण कौर जी ने कुछ शब्द अपने पिता जी दे प्रथाए श्रद्धांजलि वजों उन्होंने बोलने ने आपां सरवण करने। आओ सतगुरु पातशाह की बख्शिश करदे है सानू सारिआं नूं समझाउंदे पए ने। कहिंदे आगै सुख मेरे मीता, कहिंदे हे मेरे मित्र तेरे अगां आउण वाले समय दे विच सतगुरु ने सुख बख्शिश किए ने तैनूं, ते ये बख्शिश होई किवें है पातशाह होर भी सानूं समझाउंदे। कहिंदे पाछे आनंद प्रभ कीता, जिहड़ा तेरा बीत गया समा, जिहड़ा पछां पिछे निकल गया समा, उहदे विच वी कहिंदे पातशाह ने तैनूं आनंद बख्शिश कीता।
ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਨੋਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮਦਦਗਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਹਾਓ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰਹੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਲਦੇ ਪੋਸ਼ਦੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ, ਇਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਨਿਤ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਧਿਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤੀ ਧਿਆ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਨਾਸਵੰਦ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਭਉ ਚਲ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤੋਂ ਹਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਜੜ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਉ ਭੈਣ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ ਇਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਆਫ ਆਵਰ ਬੀਲੋਵਡ ਮੋਸਟ ਲਵਡ ਫਾਦਰ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ। ਵੀ ਪ੍ਰੇਅ ਥਰੂ ਦ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਬਦਸ ਦੈਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਸੋਲ ਮਰਜਸ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਰ Jyoti Sam, Jyoti Raja. We are very grateful for all your love and your messages and outpouring of prayers in the last few weeks. They have sustained us and strengthened us. On July 17th, Mommy passed away. And then on August 17th, Papa took the same journey.
In life, they were known to be devoted to each other. And they embodied this to the very end. We know that somewhere in Vaikuti's loving embrace, they are together and at peace. It's just a really hard time. In the days after Mummy passed, we saw Papa languishing, missing her deeply, ultimately refusing to eat. And then his physical illnesses overtook him. And on August 17th, he went to his heavenly abode. He was at peace, he was at home, he was surrounded by his loving family. And it happened very peacefully. And he went very smoothly, showing his fatherly love to all of us to the very end, making sure that we never felt that we did the wrong thing. I do want to spend a few minutes talking about this great person. The void he leaves behind is very vast. It will take us a long time to get over it. We will miss his bear hugs, his big smiles, and his warm voice on the phone. He was born in Aventipur near Srinagar. Eventually moved to Srinagar with his family. He was the fifth child, the fifth son of a large family. And at a very tender age of less than 18 years, he graduated BSc and joined the Air Force as a flying officer. He was a brilliant, brilliant student. He could have done anything in his life, but he was a responsible man. He was a responsible son. He knew he had to earn a good living in order to live the lifestyle he wanted and to help his family. And then he learned to love what he did. He became a responsible father, a responsible husband, a responsible brother. He served all these roles while he was a brilliant Air Force officer. He was a great leader and he moved into many important positions very fast. My son and I were looking through his flying log. He docked about 7,000 flying hours before he finished. He trained on 10 aircrafts, although AN-12s were his primary airplane that he flew in the war and won accolades and medals, and also had a paratrooping certificate. That was a surprise to us. Papa was the rock in my life. He was my rock. He gave me confidence to do anything I wanted. He was always there to guide me and give me his frank opinion and our love. He extended that to our family. My husband remembers, Manmohan remembers really wonderful dialogues about the world politics, and he guided him on China and the relationships and what would happen with India and the war. There's so much we miss about him. Ever since I can remember, he was this tall. It was only later I realized he was 5'5 or 5'6. Tall, brave, fearless, full of life, adventurous, unstoppable energy that he passed on to all of us. But more than that, he was an ocean of love. Anyone who we came across in any walk of life, whether they were his peer, junior, senior, he extended that love to. He was an exemplary example of humanity, humanity at its best, treating everyone with love and kindness. Thank you, Papa, for all you've done, for all the love you have given us. We will never forget it. We will try and embody that spirit. You are my hero. You are my hero.
And you were not just my hero, but you were the hero of all your children and your grandchildren. And I'll leave my son home to talk a little more about that. Every young boy dreams of meeting a superhero, someone who soars through the clouds with superhuman courage and superhuman love. Nidhi, Nanki, Manav, Rohan, Kabir, Angad, and I were lucky enough to meet this superhero, and we called him Nana Papa. My Nana Papa did so many things for me that I cherish. He and Nani Mama always welcomed my sisters and I into their home in my enclave when we visited from overseas, and helped us discover India, sparing no time or expense. He ensured that he had our favorite foods ready, like Malai chicken, my favorite, and took pains to set up the internet for us back in the days of dial-up. When we were not here, he sent us emails checking in on me when I was in college, advising us, or sending sweet chain messages, serious and humorous ones that reflected his life philosophy. The truth is, what I remember is just a fraction of what he did. There's a saying, you might forget what someone did, but you'll never forget how they made you feel. Around Nana Papa, I felt love, joy, and strength. Not only was his presence so boundlessly comforting, but he was a beacon for me, a role model, a guiding light that helped me shape myself. First, as a man, he showed me that you can be a group captain in the Indian Air Force and also be a loving, sensitive father to three girls who adore him completely. His example of balanced masculinity was decades ahead of its time. Then he set an example of lasting love. Once, when he and Nani Mama stayed with us in America, I walked past his room late at night. I noticed their light was on, and worried, I entered the room. The two were just sitting there quietly playing cards together, keeping each other company by candlelight. Another time, at their 50th anniversary, we had a tough walk at a Jaipur fort. I couldn't see them ahead of us, and when I looked behind, I saw him walking with Nani Mama slowly, holding her arm to help her, chatting sweetly as if they were two youngsters on a first date. It seems their fates were intertwined, and maybe they are together now, holding each other, just as they did in life. Nana Papa also showed me that you can be serious and struggle, and yet still love life with every ounce of your being. Who can forget his wide smile that erased sadness from your heart, or the way he would say, beautiful, whenever he really liked something? He was full of life, and being around him gave me life. Finally, he proved that age isn't an obstacle to self-development with his embrace of technology, be it digital cameras, the internet, or social media, all in service of connecting with his family, bringing us all together while he was alive, and now, even after. Above all, I felt unconditional love from Nana Papa. I knew that even when I disagreed with him, I would always be entitled to his big hug, his wide smile, his generosity, his overflowing heart. I have many regrets, mostly that I did not see Nana Papa more often, but I feel honored to have been with him for a day before he passed, and to have helped prepare his body after. As I saw the smoke rise above his funeral pyre, I realized death is not a contraction, but an expansion. Now he is everywhere. I'll call Pavan Masi to come. And Dickie Uncle. Sashrikal, everybody. Thank you for being here today with us in this very special moment in Papa's Akhand Paath. Today, I have the opportunity to speak about my most favorite person in the world. I can hear him say with his infectious effervescence, thank you, Baba. You know, that's how he said it, Baba.
He was very simply the wind beneath my wings. From the time we were very young, we were impacted by his virtue of selfless service. He was passionate about serving his country in the Indian Air Force. He was passionate about serving his parents and his family. I still remember the day he was adorned by the Vayu Sena Medal for service during the war. We sisters walked around the Air Force cant as if we had earned it. We were so proud of him. He planted the virtue of living for something larger and beyond ourselves and our personal needs. And now, although the wind beneath our wings has quietened down, Papa leaves us with an invaluable roadmap of life. On behalf of my husband Dickie and myself, Papa, we thank you for teaching us how to love. A love that is felt so strongly by not only Manav and Rohan, but their wives, their granddaughter-in-laws Vivani and Naina. They could not be here due to quarantine issues in Indonesia and other holdups. They have sent in heartfelt letters, which I'm going to read out. The first is by Manav and Vivani. Our dearest Nanaji, you have given us the most precious gift by showing us what it means to love unconditionally. Through your life, you had showed me the character of a true gentleman, and these will last me through my lifetime. So much has changed since we first began visiting Delhi as young boys, but I could always count on your smile and big, magnanimous hugs, especially the first bear hug when you came to the airport in your suit. He was always there. Every visit to India, he was always there at the airport. As we come together now, it is truly inspiring how each one of us is able to kindle the same lovable spirit that you personified. I am going to miss you so much, as I just wish I could have spent so much more time with you. You and Nani are in a much better place, and I am sure she is there taking care of you with extra ghee on your rotis. Your legacy lives through all of us now, and we will uphold this through the future generations. Love you, Nanaji. The second is from Rohan and Naina, my youngest son. If one could encapsulate your persona in one line, it'd be that you had the heart of a priest and the hand of a warrior. A true gentleman with an iron fist, but a gentle and warm touch. Through all walks of life and all our shared experiences, you have shown me the meaning of true character. I recall the time that I parked my shiny new toy cars in your shiny new VCR box. I'm so sorry for that. But in recounting this, I see your selflessness, and you got more worried about where my cars were than your shiny new VCR. Growing up, I was fascinated by how you wrote so eloquently. I can't say it was easy to understand your letters and emails without mom's help as a young boy, but the genius of it inspired me into advanced levels of literature during my years in school. I just wanted to understand this code, to be as intellectual as you were. The way you dressed, wow. You were so impeccable. Your attention to detail is remarkable. You always had the sharpest suit in the most fashionable colors. I remember how when I started familiarizing myself with suits, you told me you were going to wear a beige suit for Naina and my wedding, and how you went looking for the perfect shade. I can't say I am not the same when I go shopping now. To date, I still use the hairbrush you gave me in 2007 when I was doing my internship in Delhi. The sandalwood scent of your beard and Maya and Dave home is etched forever in every bristle. I could go on about our conversations on the stock market and your cars, etc. You touched my heart and my mind in so many inspirational ways.
I will miss you forever, and I will hold your virtues with me every day. I love you, Nanaji. I pray you're always smiling, and I hope our souls cross paths again in future. Take care. Love, Rohan and Nen. Mandy and Kabir. When I sat down to think and write something for Nana Papa, I was at a loss for words. I wasn't at a loss for words because I have nothing to say, but rather because I have too much to say, and so many fond memories that I didn't know where to start. Each time I thought of something, it was trumped by a fonder memory. Every second that I spent with him was a second of admiration and utmost respect. Nana Baba was a perfect male role model throughout the years. He displayed characteristics of what I think to be a perfect man. Being in the Air Force and having three daughters made him daunting yet sensitive, feared but loved more, and strict yet admired. He was the perfect balance of a man. I aspire to live all my days representing him throughout my actions. Some of my fondest memories with Nana Papa started since the day I had the ability to form memories itself. As a young kid, on my birthday celebrations, I would be running around creating havoc and crying about my broken toys, and then Nanaji would be right there recording me with his favorite video camera. We have the chance to view all major events in our lives through his perspective because of his knack to record everything, which I'm so thankful for. His need to capture everything came from a place of the most genuine kind of love and admiration for everyone in his family. His love didn't just stop at his family. He extended it to his staff, employees, and just about everyone around him. A true saint. He wouldn't stop at anything to get his grandchildren what they wanted. At an age where most people consider old, Nanu would drive me to buy my favorite toys as a child, drive me to play golf together, among many other things. He loved to live and lived to love. Nana Baba always pushed me to be my best self. I still remember the day he found out that I started taking golf lessons because of him, and I vividly remember the joyous look on his face. That was the beginning of a newly found relationship between us. I must have played golf with Nanaji on each and every course in Delhi and Gurgaon, and even one course in America. As a kid, I thought it was a boring sport, but just the fact that I had something in common with my Nana Papa made it so much better and interesting that I still play regularly, and I will continue to each time in his memory. Each time I take a swing, I know I will hear the words, "Kabir, you have a great swing, you must teach me." Those memories will live on forever. My favorite memory of Nanu is us going to the mall and me buying him a pair of shoes that he adored so much he didn't stop talking about it for 2 years. And we had a coffee together while people watching. His joy came from the small yet important things in life, which we tend to overlook in these busy times. He taught me how to appreciate life. I would love waking up in the morning in Maya Enclave, watching him do his Sudoku, and then go on a walk with him to buy vegetables and bring back milk in a jug big enough to quench the thirst of a family of horses. It was a big jug. A strong, gentle, caring, loving, and precious gem of a man. You will be missed way too much, but celebrated even more. As my Nana always said, Sache Pacha. Thank you. We were all gathered here exactly once ago for my Nanima, and now we're here for my Nana Papa. They both did everything together, and to the point where they even went from this world together. Both my grandparents were so patient and so loving that it used to make me wonder how someone can be so giving and patient. Everyone has spoken about Nana Papa's incredible graces. He really was a special soul who not only did part, but like Kiran Masi says, he embodied the path that he did.
After Nani Ma passed, I told Nana Papa that we would give him the same love and the same care with which he raised such a beautiful family. He looked up at me and said, "Bache, that is all I need, love and care." When we told Nana Papa about Nani Ma's passing, his first reaction that we should not worry about him and that we should be brave rather than the other way around. These examples show exactly how my Nana Papa was. He never wanted to show any weakness to any of us. He had always been the group captain, even within his own family. His only weakness was being without Nani Ma, his Jeet, and that he showed very openly. Their love for each other was so strong that Nana Papa would talk to her in his sleep. And during his last few days, he would not just worry about his children and grandchildren, just as he did for all his life. He would also be worrying about the smallest of things in my life. He had a very can-do attitude in anything that he did. He was just so humble, kind, and caring. A few days before Nana Papa went into the hospital, I was sitting and watching Manav Bhaiyar and Bhavani Didi's wedding photographs with him. I reminded him of the beautiful family which he raised and reminded him all the love that he is leaving behind. I reminded him of the things that all his cousins are up to, which made him so extremely happy, and I'll never forget the smile that he made. He was a really special soul who I was not ready to let go of. I had so much yet to learn, but I am grateful to be the grandson of such a great man who was able to give me so much love. More than this, my Nana Papa taught me how to be a man. He showed me what it is like to love someone so much. He taught me to always do right and how to have a good heart. I promised my Nana Papa that I would carry his values in every breath I take. His courage, integrity, being humble, his kindness, his loving nature, and his good heart. I know that Nana Papa and Nani Ma are watching over us from a better place, happier than ever, together in eternity. Pyar bhara sat sri akal to everybody present here and to those who are watching worship. Today we gather here to stop mourning and celebrating the life of our dad, who was a great personality, very charismatic, and an awesome man. Very hardworking, diligent, and tireless and fearless in achieving what he wanted to do. His strength and vigor and abundant love has always been appreciated and highly admired by his children and grandchildren. He has been and will continue to be the inspiration for the whole family. We three daughters were his world, and he fondly called us his three Deviyas, his teen Deviyas. He could go to the end of the world to do anything for us. He had his persona and his aura, and wherever he went, he always left a mark. Whenever we had a few jobs to do, bank jobs or anything to do, he would just tell me, "Just tell them your group captain's son is daughter." Or he would tell my sons, "Just tell them your group captain's son is grandson." And actually that worked like a spell. And the work would get sorted out so easily. In the hospital, he would be entertained. He would entertain all the nurses. And even in his last few days, he came to be known as the cute Babaji. The COVID spell has taken away my last coffee date with him, which gave him so much happiness, always. Together, Mom and Dad have created this huge and colossal and beautiful umbrella of love, under which we children and their grandchildren and great-grandchild are protected and will flourish. We are so fortunate to bask in this cozy nest of love made by them. This is not their end, but the beginning of their legacy of love and togetherness, and the million sacrifices, small little sacrifices they made, which helped us
to create such a wonderful home for us three sisters. And this is the legacy we aspire to carry forward and pass it on to our children. Today, as daughters, we feel an immense pain and a sense of extreme loss to have lost both our parents in such a short span of time. But to know that they are together, taking care of each other, being together as they always have been, also gives us some solace. A man who has lived such a beautiful life, given so much love, and received so much precious love and so much admiration, can only be cherished. Sashika. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੋ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।